जी हाँ दोस्तों, आप बन सकते हैं अमेज़न के बिजनेस एसोसिएट पार्टनर और कमा सकते हैं 45,000 पर मंथ तक। भारत के किसी भी स्टेट, सिटी, विलेज में बैठकर अपने घर से आप अमेज़न के बिजनेस एसोसिएटेड पार्टनर बन सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फुल टाइम वर्कर हैं, आप सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल यूज करके अमेज़न के एसोसिएट पार्टनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं और कैसे ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप 45,000 पर मंथ का टारगेट को अचीव कर सकते हैं और इजिली 45,000 रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। वेलकम दोस्तों, हम हैं जॉब वैकेंसी रिजल्ट। हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है जो आपको बिजनेस की बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिना कोई एक पैसा खर्च करें। अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम से आप जुड़ के प्रोग्राम के थ्रू एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं 45,000 रुपए तक। और सबसे अच्छी बात है 100% फ्री ज्वाइनिंग है, मीन आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप और फोन की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फोन से भी इनके प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये है इनकी वेबसाइट affiliate/program.amazon.in। इसका वेब लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, वेबसाइट के टॉप पे ही लिखा अर्न अप टू 10% एडवाइजिंग फीस, मीन्स आप 10% तक कमा सकते हैं इस वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट पे। तो दोस्तों, ये जो आपका परसेंटेज है वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी प्रोडक्ट के लिए। किसी प्रोडक्ट के लिए कम भी हो सकता है और किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा भी। जो मैक्सिमम होता है ये 12% होता है। अब टॉप ऑफ द राइट पे ही लिखा है ज्वाइन नाउ फ्री, आप यहाँ पे क्लिक करके इनका फॉर्म फिलअप करेंगे। अब आगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे और अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना है। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, सचिन चौहान। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपके पास एक ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले वो बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो 6 डिजिट का होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करके कर सकते हैं और आप पहुंच जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो आपने मेल आईडी डाली थी वहां पे एक ओटीपी आई होगी, तो आप सबसे पहले अपनी मेल आईडी पे जाइए और एक वहां से ओटीपी ले लीजिए, क्योंकि ओटीपी मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है, जिससे वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जो पर्सन है वो सही है। क्योंकि एक अमेज़न काफी नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे, तो इन सभी पूरे प्रोसेस के लिए ओटीपी जरूरी होती है। तो हम अपनी मेल आईडी पे आ गए हैं। मेल आईडी से हमने यहाँ पे कॉपी करा अपना ओटीपी और आगे जाके पेस्ट कर दिया। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसके अंदर आपका पे नेम, सबसे पहली चीज पे नेम मीन्स जिस अकाउंट में आप पैसे मंगाना चाहते हैं उस अकाउंट में आपका क्या नाम है। तो मेक श्योर कि आपका जो नेम होना चाहिए वही यहाँ पे मेंशन करें जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, क्योंकि जो कोई भी अगर कंफर्मेशन होगी तो आपके एड्रेस पे होगी। एड्रेस में सबसे पहले आप अपना लोकल एड्रेस, उसके बाद अपनी सिटी, सिटीज के बाद आपको अपना रीजन भरना है, जो भी आपका रीजन है। उसके बाद सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है पिन कोड, तो पिन कोड आपका सही होना चाहिए। कंट्री ऑटोमेटिकली इंडिया ले लेगा अगर आप इंडिया से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जरूरी होता है क्योंकि अकाउंट में पैसे आने हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे नीचे चीज लिखी हुई है हु इज द मेन कंटेंट फॉर द अकाउंट, मीन्स कि जो ये अकाउंट है ये आप किसी के लिए बना रहे हैं या आप खुद के लिए बना रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, जो भी आप चीज यहाँ पे अर्न करेंगे आप अपने लिए करेंगे, किसी पार्टी के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन द पे लिस्टेड अबव पे क्लिक कर देंगे। सेकेंड है यहाँ पे द US टैक्स प्रपोजल। तो जब भी टैक्स की बात आती है तो काफी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है जो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है US के रिलेटेड हो रही है, इंडिया का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आपके ओरिजिनल एड्रेस एंड सजेस्ट एड्रेस की एक विंडो खुली है। यहाँ पे जो सजेस्ट एड्रेस में आप देख रहे होंगे आपके एड्रेस को सही फॉर्मेट में लिखा गया है, तो आप सिलेक्ट सजेस्ट एड्रेस क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है वो बेस्ट होता है। अब सबसे मेन बात
योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, जो सेकंड विंडो खुली है, मीन्स कि जो आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे वो कहाँ बेच रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों की वेबसाइट तो यहाँ पे नहीं होगी, ना कोई मोबाइल ऐप होगा, तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक का यूआरएल लिंक अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फेसबुक का अकाउंट है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। जब आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक यूआरएल लिंक है आपका फेसबुक का, जो कि फेसबुक जनरेट करता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो आपको इस यूआरएल लिंक को कॉपी करना है और फिर वहीं पे जहाँ पे एग्जाम्पल है वहां पे जाके इसे पेस्ट कर देना है, और आगे जो बटन है ऐड, ऐड पे क्लिक कर देना है। और यही चीज जो आपने ऊपर अपलोड करी थी वो नीचे आ गई है, मीन्स जो आपने अपलोड करी थी वहां पे एड ऑन हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम या कुछ भी, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो किसी भी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया में एक लिंक यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। तो आप एक लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे किसी भी चीज का और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट विंडो खुली है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। मतलब आप स्टोर आईडी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी एक दुकान ये खोल रहा है, तो आप उस दुकान का क्या यूनिक नाम रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिक नाम रखना है जो पहले से किसी और का ना हो, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अपना एक यूनिक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जो इजिली अवेलेबल मुझे हो, किसी ने पहले नहीं ले रखा हो। तो यहाँ पे मैंने अपना यूनिक नाम लिख दिया जो मुझे लगता है कि नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो आपने यहाँ पे वेबसाइट का लिस्ट थी, तो वहां पे आपका यूआरएल लिंक आ गया है जो आपने कॉपी करके पेस्ट किया था। ये नीचे पूछ रहा है व्हाट योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप अबाउट, मतलब ये चीज जो आपने डाली है यूआरएल की किस चीज से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सोशल वेबसाइट लिख सकते हैं क्योंकि एक सोशल वेबसाइट है ये। उसके बाद दो क्वेश्चन और पूछे हुए, व्हाट इज अ फ्लोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, मीन्स जो आपने ये लिंक डाला है उस चीज पे क्या चीज अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेकेंडली ऑप्शन ये पूछ रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है, पर ये एक एफपी का लिंक है जो टोटली सोशल मीडिया वेबसाइट से ही रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे भी सेम चीज भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइटम डू यू इंटेंड टू द लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, मीन्स आपको क्या लगता है आप कौन से ज्यादा प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट या अपने पेज पे या अपने फेसबुक पे दिखा के बेच सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग ज्यादा हो। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग लोग सबसे ज्यादा जो सर्च करते हैं या परचेज करते हैं वो है क्लोथ, शूज एंड ज्वेलरी, उसके बाद लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी, मोबाइल्स वगैरह अच्छे परचेज करते हैं। तो आप ये दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है What type are website on mobile app? तो यहाँ पे अगेन ये टाइप पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी सोशल वेबसाइट का लिंक नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, सेकेंड भी आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्रैफिक एंड मोनिटाइजिंग, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, मीन्स आपका वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होता है वो किस तरीके से आता है। तो प्रॉपरली फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप जनरेट इनकम। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको अदर एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, सेम सेकेंडरी पे अदर एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक, कि आप लिंक कैसे बिल्ड करेंगे। तो आप लिंक मैनुअली वीआर टेक्स्ट एडिटर ब्लिंक करेंगे, जो भी ईजी स्टेप है मैं आपको वो करके बता रहा हूँ जिससे आप ईजी वे में अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। सेकेंड है कि आपकी वेबसाइट पे कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पे आपको जो डालना है वो 501 से 5000 के बीच में डालना है, बेशक आपका ट्रैफिक कम हो पर आपको जो रेंज लेनी है वो यही लेनी है 501 से 5000 तक। नेक्स्ट है कि आप अपनी अमेजोन जो एसोसिएट प्रोग्राम है उसे किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मोनेटाइज पे क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट है How did you hear about us? आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन सर्च, या यहाँ पे आप कुछ और भी चूज करते हैं, डिपेंड करता है टोटली आप पे। यहाँ पे एक कैप्चा है दोस्तों, नीचे आपको कैप्चा फिलअप कर देना है जो भी कैप्चा के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे है कॉन्टेक्ट टर्म्स एंड इंफॉर्मेशन जो भी इनकी है, तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है और इसे फिनिश कर देना है।
जैसे आप इसको फिनिश करते हैं आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन चौहान, आपकी यूनिक आईडी बन चुकी है। दोस्तों ये है मेरी यूनिक आईडी, मेरा स्टोर जहां से मैं प्रोडक्ट को अपनी फेसबुक अपने व्हाट्सएप पे लोगों को दिखाऊंगा, उनको सेल आउट करूंगा और 10 से 15-12% जितनी भी एक प्रोडक्ट पे कमीशन है उतनी अर्न करूंगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लिंक जनरेट करके डालना है और किस तरीके से आपकी इनकम आएगी। पर हमारा यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हम अमेजोन के एसोसिएट पार्टनर बन चुके हैं। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे एक चीज लिखी है, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो जब भी यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात आती है आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देना है और आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं देनी क्योंकि ये एक ऑप्शनल चीज है। तो दोस्तों ये है आपका डैशबोर्ड जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया है, या आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया पर किसी पर्सन ने उसे नहीं लिया और वापस कर दिया, या आपकी कोई भी हेडेक नहीं है उनका वापस जाना या कुछ भी पैकिंग वगैरह, वो सारा काम अमेजोन देखेगा, सिर्फ आपको घर बैठे बिठाए कमीशन देगा वो आपको। तो बहुत सिंपल स्टेप में आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है अमेजोन पे, मींस कि लोग उसको सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तो जो लोग सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो उसके बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, और साथ में उस प्रोडक्ट को उस चीज का यूआरएल लिंक कैसे जनरेट करना है, उस किस तरीके से आपको फेसबुक पे दिखाना है या व्हाट्सएप पे दिखाना है जिससे आप 45,000 कमा सकते हैं। साथ में मैं आपको एक कैलकुलेटिव रिप्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से 45,000 के टारगेट को टच किया जा सकता है। तो अब आपको जाना है amazon.in की वेबसाइट पे जो इनकी मेन वेबसाइट है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे पोस्ट से दिख रहा होगा ऊपर एक एसोसिएट स्ट्रिप आ गई है, साइड स्ट्रिप सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये स्ट्रिप आपकी तभी एक्टिवेट होती है जब आप इनके अमेजोन एसोसिएट मेंबर इनके पार्टनर बन चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था जो क्लॉथ वगैरह होते हैं एसेसरीज होती हैं उनकी ज्यादा डिमांड रहती है, तो हम सबसे पहले क्लोथिंग पे जाएंगे। जैसे हम क्लोथिंग पे गए मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुर्ती फॉर वुमेन स्टाइलिक्स मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कुर्ती आ गई, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप एक एक प्रोडक्ट देखेंगे उसको वेबसाइट पे भेजेंगे उसका यूआरएल लिंक जनरेट करेंगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस है भी और नहीं भी। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा सिम हम उसी प्रोडक्ट पे उन्हीं चीज़ों पे टारगेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट ओपन हुआ तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे सीधा आगे सामने मेंशन है अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक इसकी ये है और सी टॉप 100 क्लोथिंग एंड एसेसरीज। तो मुझे इस लिंक पे पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक लिंक ओपन करना पड़ा जिससे आप देख पाए कि अमेजोन पे क्लोथ एंड एसेसरीज से रिलेटेड कौन से 100 प्रोडक्ट हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं, इनकी रैंक दे रखी है, जैसे नंबर 5 पे कुर्ती है, नंबर 4, 6। तो आप अगर इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इनका यूआरएल लिंक क्रिएट करके वेबसाइट पे देंगे तो नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रोडक्ट सेल होने के। जैसे यहाँ पे एक टी शर्ट है ब्लू कलर की, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर की टी शर्ट है। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो आपको ये मिलती है, अगर कोई बर्तन आपके लिंक से इस वेबसाइट पे आता है पे आके कलर चेंज करके टी शर्ट खरीदे या साइज चेंज कर ले या इसके बाद किसी और प्रोडक्ट पे जाके परचेज कर ले तब भी आपको अमेजोन आपकी प्रॉपर कमीशन देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं सब चीजें हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको लिंक कैसे जनरेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अमेजोन एसोसिएट स्ट्रिप ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट एंड इमेज इस पे क्लिक कर सकते हैं। और देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक यूआरएल लिंक और एक लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इस यूआरएल लिंक को कॉपी करना है। जैसे आप इसे कॉपी करते हैं फेसबुक, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे आ सकते हैं। तो जैसे आप फेसबुक अकाउंट पे यहाँ पे आ गए, आप फेसबुक अकाउंट पे आने के बाद जैसे आप रेगुलर पोस्ट करते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, इस डिस्प्ले पे शो होने लगेगा। तो देखिए किस तरीके से शो रहा है, मैं आपको वो चीज भी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो ये फेसबुक अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी और पर्सन का फेसबुक अकाउंट है, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए
इस अकाउंट को एक्टिवेट किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने आपके यहाँ पे चीज शो हो रही है, यहाँ पे यूआरएल लिंक भी शो हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी शो हो रहा है साथ के साथ, और यहाँ पे इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चीजें दिख रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई भी पर्सन आता है इस यूआरएल लिंक पे क्लिक करता है और क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे जाने के बाद अगर ये परचेज कर रहा है तो वो आपका एक लीड काउंट हो जाएगी, और जो क्लोथिंग की कमीशन है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन कहाँ पे दिखती है, तो जो भी इसकी कमीशन होगी वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं काफी अच्छी अमाउंट को। तो आपको टारगेट करना है कि आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिस्प्ले करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे खरीदें। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे कहीं पे नजर शो नहीं हो रहा है कि आप इसके बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा कुछ भी लोगों को लगेगा आप हेल्प कर रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट उनको बता रहे हैं तो वो परचेज करेंगे। तो यहाँ पे आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका पार्टनर बन चुका हूँ, मुझे कमीशन मिल रही है, इतना परसेंट मेरा होगा, ऐसा कुछ आपको शो नहीं करना है। और जो अमाउंट यहाँ पे सामने इस टी शर्ट का दे रहा है, इस अमाउंट पे ही आपको इस टी शर्ट का जितना भी कमीशन है वो आपको मिलेगा। चलते हैं कि आपको किस चीज पे कितना परसेंटेज मिलता है, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ इतने रुपए मैं इस चीज से कमा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने पहले जो मैंने आपको दिखाया था डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लर्न मोर में एक एडवर्टाइजिंग फी करके ऑप्शन दे रखा है, आप इस पे क्लिक करें, आप किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल एंड एसेसरीज पे आपको 9% कमीशन है, मींस अगर एक टी शर्ट 500 रुपए की है तो 500 रुपए का 9% आप देख सकते हैं, आपको 45 रुपए सिर्फ एक टी शर्ट के आप अर्न कर सकते हैं। सेम इसी तरह का बहुत सारी चीजें हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है, अगर आप मोबाइल फोन पे जाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे जाते हैं तो उनका 2.5% से 4% है। साथ में यहाँ कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिन पर आपको 1% मिलता है, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी हैं, तो आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी फ्लैश सेल होती है ओप्पो रेडमी इन सब फोनों की, जो फोन कई 100, 200, 300 फोन कुछ सेकंडों में बिक जाते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं अगर 20,000 का एक फोन है, फ्लैश सेल होने वाली है, तो आप उस फोन का यूआरएल लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे मींस अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में किसी भी चीज पे शो कर सकते हैं। लोगों को लगेगा आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप 1% अगर आप 20,000 के फोन का 1% भी कंसीडर करेंगे तो ये 200 रुपए होते हैं। अगर कोई भी फ्लैश सेल में आपका यूआरएल लिंक वायरल हो जाता है और लोग उससे 100-200 फोन खरीद लेते हैं, जो बहुत आसान है, लोग इससे कमा चुके हैं, मैंने बहुतों को देखा इससे कमाते हुए। अगर आपके 100 फोन भी निकल जाते हैं फ्लैश सेल में और 200 रुपए अगर आप एक फोन पे कमा रहे हो, तो आप इजिली एक दिन के अंदर 2,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो, मीन्स आप मंथली 60,000 रुपए भी जा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने अप्रोक्स आइडिया लिया है वो 45,000 लिया है, वो किस तरीके से लिया है मैं आपको वो चीज अब बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मेन ट्रिक थी कि आपको वही प्रोडक्ट पे टारगेट करना है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो किस तरीके से शो होते हैं मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 45,000 का टारगेट किस तरीके से अचीव करना है। साथ में यहाँ पे एक ट्रिक और है, जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप 256 या 257 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके या गूगल पे लिख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां पे वो ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी जिन ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रीली। साथ के साथ आप FB पे देखते होंगे बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे पेजेस होते हैं जहां पे आप अब जाके पोस्ट कर सकते हो, तो आप उन पेजेस की, उन व्हाट्सएप के ग्रुप की एक लिस्ट बना सकते हो जहां पे आप जाके पोस्ट कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए और वहां पे अपने URL लिंक को पोस्ट करिए। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे टच में आते हो, वो URL लिंक उन लोगों के पास पहुंच सकता है जिनको उसकी नीड है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी तरीके से ही आप 45,000 के टारगेट को टच कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेटिव पार्ट पे आप 45,000 रुपए कमा सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा। आपने कोई 5 प्रोडक्ट लिए, वो 5 प्रोडक्ट जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, उन 5 प्रोडक्ट का अगर आप एवरेज प्राइस निकालेंगे, उसके अंदर मोबाइल काउंट है जो 20,000 का भी आता है, वो टी शर्ट भी काउंट है या शूज भी काउंट है जो 500 रुपए का है, तो एक एवरेज प्राइस जो निकलता है वो निकलता है इनका 2,000। आपने एक प्रोडक्ट का 2,000 निकाला, पर आपने कितने प्रोडक्ट लिए, 5, तो टोटल कितने हो गए, 10,000। अब 10,000 आपकी वैल्यू है, पर आप क्या एक प्रोडक्ट एक ही पर्सन को करेंगे, नहीं, आप टारगेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों पे जाए,
फिर भी हम उसको एक मिनिमम एवरेज की बात करते हैं कि कैसे 45,000 एक मिनिमम टू मिनिमम आप कमा सकते हैं। सो 10,000 आपके यहाँ पे हो चुके हैं 5 प्रोडक्ट इंटू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइस 2,000 इक्वल टू 10,000। 10,000 में अगर आप दो लोगों को भी सेल करते हैं तो वो 20,000 हो जाता है। मीन्स एक दिन में आपने 20,000 रुपये की सेल करा, 20,000 रुपये के प्रोडक्ट बेचे अमेजोन के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कमीशन की। तो आप देख रहे होंगे 10%, 9%, 8%, 1%, 2.5%, काफी एवरेज परसेंट ऑफ कमीशन है। पर जो एवरेज इसकी बैटरी है वो बैटरी है 7%, अगर आप कैलकुलेटिव में देखें तो 20,000 रुपये जो आपके थे, 20,000 का 7% होता है 1,400 रुपये। तो आपकी एक दिन की, उस दिन की जो अर्निंग होगी वो होगी टोटल आपकी 1,400 रुपये। अगर आप एक दिन में 1,400 रुपये कमा रहे हैं और आपको लग जो वो महीना है 31 दिन का, तो 1,400 इंटू अगर आप 31 करते हैं तो ये अमाउंट होता है 43,400। मतलब ये अमाउंट लगभग 45,000 के आसपास ही बैठता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ पॉइंट, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, सेकंड आपको कौन से प्रोडक्ट चूज करने हैं, थर्ड वो प्रोडक्ट आपको कहाँ पे डिलीवर करने हैं, वो यूआरएल लिंक आपको कहाँ पे दिखाना है जिससे वो प्रोडक्ट सेल हो, और फोर्थ आपको कितना टारगेट लेके चलना है कि इतने की सेल मुझे करनी है, इतने बंदों को मुझे बेचना ही बेचना है। तो आप इजिली पार्ट टाइम में 45,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर कोई फ्लैश सेल वगैरह आती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इजिली आपकी अर्निंग 60,000-65,000 तक हो जाती है। और बिल्कुल हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इससे लाख लाख रुपए भी कमाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं ये एक तरीके का बिजनेस है। तो हो सकता है बहुत से लोग इससे कुछ अर्न ना कर पाए क्योंकि बिजनेस फ्लॉप भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इससे काफी कुछ अर्न कर सकें, वो इसका टारगेट 50,000 से ऊपर का भी बना सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कितने अच्छे से काम करते हो। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस चीज को आप ये लेके ना चलिए कि आपके इतने रुपए आएंगे ही आएंगे, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो जो वैकेंसी रिजल्ट इसी तरह आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वीडियो लाता रहेगा, पार्ट टाइम से रिलेटेड, फुल टाइम से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। और हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का यूआरएल लिंक दिया गया है जिसपे आप रजिस्टर करके जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने मेल पे ले सकते हैं। आप किसी भी सिटी किसी भी स्टेट में हो तो वहाँ पे जाइए, लॉग इन करिए और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मेल पे लीजिए। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक और बेहतरीन वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।